मित्रों, एक बार की बात है। माता लक्ष्मी संसार भ्रमण पर निकली थी और क्षीर सागर में भगवान के पास लौट कर आई तो भगवान से प्रणाम निवेदन किया और कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, लक्ष्मी बताओ क्या पूछना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो तुम। तब लक्ष्मी ने कहा, प्रभु संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो समय से पहले विधवा हो जाती हैं और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो कभी सुख शांति नहीं पाती और कुछ ऐसी भी होती हैं जो सुहागन अपना सुख शांति से जीवन व्यतीत करती हैं। ये मेरे तीन प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों होता है। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी देखो मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन शर्त एक है, कहानी को पूरे ध्यान से अंत तक सुनना। अगर जरा सा भी चित्त को इधर उधर किया तो फिर तुम अपने प्रश्नों को नहीं समझ पाओगी। कहानी बीच में छोड़ना नहीं, ध्यान लगा करके सुनना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। तो आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। मित्रों, एक राज्य में एक राजा का नौकर था और वह राजा का नौकर अपने सभी मित्रों से बराबर यह बात कहता था कि मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, बड़ी सुशीला है, वह बहुत मानती है मुझे और हमेशा वो सबसे यही कहा करता था, पत्नी की बहुत प्रशंसा करता था। और धीरे धीरे ये बात जो है बढ़ते बढ़ते राजा के पास पहुंच गई। एक दिन राजा ने उस अपने नौकर को बुलाया दरबार में और उससे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत पतिव्रता है। उसने कहा, जी राजन, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी पत्नी पतिव्रता है और मुझे बहुत सम्मान देती है। तब वहाँ पर खड़े राजा के मंत्री ने कहा कि यदि इसके पत्नी का पतिव्रत कोई खंडित कर दे तो क्या करेंगे। तब वहाँ पर खड़े नौकर ने कहा, यदि मेरी पत्नी का पतिव्रत कोई खंडित कर दे तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाएगी, मैं जरा सा भी उफ नहीं करूँगा। मंत्री ने कहा, मैं यह कार्य करके दिखाता हूँ। और तब नौकर ने कहा कि यदि मंत्री जी आप यह कार्य नहीं कर पाए तो आपको दंड क्या होना चाहिए। तो मंत्री ने तपाक से कहा, यदि मैं यह कार्य नहीं कर सका तो मुझे भी फांसी दे दी जाए। राजा ने दोनों की बातें सुनी और मंत्री को आदेश दे दिया, जाओ तुम अपना काम करके आओ। पर प्रमाण के तौर पर उस नौकर ने कहा कि मेरे यहाँ सुहाग का एक जोड़ा कपड़ा रखा हुआ है, उसे मेरी पत्नी बहुत संभाल कर रखती है और किसी को भी किसी कीमत पर नहीं देती। यदि उसे हासिल कर ले आओगे तुम तो मैं मान लूँगा
कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत भंग कर दिया और यही प्रमाण होगा। और यदि उसे नहीं ला सके तो तुम्हारा बोलना झूठ होगा। मंत्री ने स्वीकार किया और चल दिया उसके गांव। और गांव से थोड़ी दूर रह गया तो उसने पता लगाया कि इस गांव में ऐसी कोई बच्चलन औरत या दूती हो जो दूसरों के घरों में झगड़े याद लगाने का काम करती हैं, ऐसी स्त्रियों को दूती के नाम से ही बोला जाता है। वह उसके पास गया और उससे बोला कि मेरा एक काम है, उस फला आदमी के घर पे पत्नी तो उसकी पत्नी के पतिव्रता होने की सूचना मिली है और तुम यदि अपने छल बल से मुझे उसकी पत्नी से संपर्क करवा सको तो मैं तुझे मुहमंगा धन दे दूंगा, जितना तुम्हें चाहिए उतना धन दूंगा। तो उस स्त्री ने कहा, देखो वह स्त्री पतिव्रता है, वह तुम्हें अपने पास फटकने भी नहीं देगी, आँख भर तुझे देखना तो बड़ी दूर की बात। तब मंत्री ने कहा, तुम एक काम कर दो तो भी अच्छा है, उसके यहाँ शादी के समय का मिला एक सुहाग का जोड़ा कपड़ा है, उसे यदि ला सको तो वह ला दो और उसके अंतरंग अंग के पास कोई चिन्ह हो तो उसका पता लगा करके मुझे बता दो, बस तुम्हारा काम खत्म। और लौट के आओगी तो तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। अब वह स्त्री इसमें माहिर तो थी ही, उसने कहा आप यहीं रुकिए मैं आती हूँ। वह उस नौकर की पत्नी के पास गई और जाकर के कहा, अरे बेटी मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ और बहुत दिन हो गया यहाँ आए हुए, इसलिए शायद तुम नहीं पहचान पा रही हो। उसने नौकर की पत्नी ने उसका बहुत स्वागत किया, घर पे रखा और दूती उसके साथ एक दिन दो दिन रही और बड़े आप प्यार दे उस नौकर की पत्नी को। और इस तरह से एक दो दिन व्यतीत हो गए। तो एक दिन नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी तो यह जाकर के उसके पीठ पर पानी डालकर के मलने लगी। उसने कहा, बुआ आप क्या कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है, मैं स्नान कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं। पर वो बोली, नहीं नहीं तुम तो मेरी बेटी के समान हो और मेरा इतना करने में जाता क्या है, मुझे करने दो। तब उसने नहलाते नहलाते सामने आ गई, उसके आँख पर पानी का छींटा मार दिया, पानी का छींटा मारते उसकी आँख बंद हो गई और उसने थोड़ा सा कपड़े हटा करके और उसके अंतरंग के पास जो काला तिल था उसको देख लिया। और जब तक वह स्नान रही थी उसका काम हो चुका था, वह सुहाग के जोड़े कपड़े को लेकर के वहाँ से भाग आई और मंत्री को दे दिए। मंत्री उसे बहुत सा धन दिया और वह सुहाग के जोड़े कपड़े लेकर के राज दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से कहा, मैंने स्त्री का पतिव्रत भंग कर दिया है और इसे अब सजा होनी चाहिए। उसने सुहाग के जोड़े कपड़े बताए और चिन्ह भी बताया दिए है। तब तो वह नौकर हक्का बक्का रह गया, उसने मान लिया कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा कर गई और
स्वीकार कर लिया। तो राजा ने सुनाया कि 15 दिन बाद फांसी की सजा होगी और 15 दिन का समय मिला। तो उस राजा के नौकर ने सोचा कि कम से कम चल करके अपनी पत्नी से इतना तो पूछ ही ले कि जब पतिव्रत निभाना ही नहीं था तो इसका ढोंग क्यों किया था। वह अपने घर आया और अपनी पत्नी से जैसे ही मिला, पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार करने की कोशिश की, पर वह नाराज होते हुए बोला कि अब ढोंग क्या कर रही हो, जब तुमने मेरी बेइज्जती ही करवा दी और मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ। तब तो उसकी पत्नी सन्न रह गई। उसने कहा, क्या बात है, आप बताइए। तो उस राजा के नौकर ने सारा वृत्तांत बता दिया, ऐसा ऐसा है। अब वह नौकर की पत्नी सारी बात समझ गई कि जो स्त्री आई थी वो कौन थी और मेरे साथ क्या किया। उसने कहा, भी 15 दिन का टाइम है, आप चिंता मत करिए, यहाँ रुकिए घर पे और देखिए मैं क्या व्यवस्था करती हूँ। इतना कह करके वह नौकर की पत्नी सुंदर तो थी ही, उसने कुछ अपने सहेलियों को और वाद्य यंत्र बजाने वालों को साथ में बुलवाया और लिया और सबको लेकर के राज दरबार में जा कर के हाजिर हुए और राजा से बताया कि हम लोग कलाकार हैं, नाच गान करते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम अपनी कला का प्रदर्शन आपके दरबार में करें। अब राजा लोग इसके शौकीन तो होते ही हैं, उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया और उसने बहुत ही कुशलता से नृत्य और गान किया। राजा प्रसन्न हो गया, उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब उस नौकर की पत्नी ने कहा, राजन यदि आप देना ही चाहते हैं, वचनबद्ध हैं, तो आपके दरबार में मेरा एक चोर है, उसे आप फांसी की सजा करवा दीजिए। अब राजा आश्चर्य में पड़ गया, मेरे दरबार में तुम्हारा चोर? बोले, हाँ आपका मंत्री मेरा चोर है, इसने मेरा चुराया है। अब तो मंत्री तुरंत आके बोला, अरे राजन मैं स्त्री को कभी इस स्त्री को देखा तक नहीं हूँ, मैं इसे जानता नहीं हूँ, ये कौन है, कहाँ की है, मैं इसका कैसे चोरी करूँगा, क्या चुराऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत है। तब उस स्त्री ने कहा कि राजन देखिए, जब यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस स्त्री को कभी देखा नहीं है, इसकी शक्ल सूरत मुझे याद नहीं है, कभी भी इसको मैं नहीं जानता कि ये कहाँ की है कहाँ की नहीं है, तो फिर मेरे घर कैसे गया और मेरा सुहाग का जोड़ा इसके पास आ गया। अब तो मंत्री पूर्ण रूप से चोर बन गया था और डर रहा था, परंतु वह करे क्या। उस नौकर की पत्नी ने सारा भेद खोल दिया, राजा ने उस दूती औरत को भी बुलवाया और डांट लगाने पर उसने सारा वृत्तांत बता दिया, किस तरह इन्होंने मुझको मिलाया और इस तरह से कार्य हुआ। तब मंत्री झूठा बना और घोषणा हुआ कि मंत्री को फांसी की सजा दी जाएगी, नौकर को नहीं दिया जाएगा। तब वह औरत अपने घर चली आई और अपने पति से कहा, जाइए सारा काम हो गया है, अब मंत्री को फांसी की सजा होगी और आप बच जाएंगे। इतना कहानी सुना करके भगवान लक्ष्मी से बोले, लक्ष्मी अब तो तुम्हें शायद इस कहानी के माध्यम से
तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। लक्ष्मी ने कहा ठीक है प्रभु, समझ में आ रही है तो फिर थोड़ा सा क्लियर और कर दीजिए। तब भगवान ने कहा देखो, जो स्त्री अपने पति का दिन प्रतिदिन नाम लेती रहती है, नाम लेके बुलाती है, अशुद्ध आचरण नहीं करती है, वह समय से पहले विधवा हो जाती है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कोई स्त्री हमेशा सुख शांति नहीं पाती, तो वह स्त्री है जो अपने पति की बात को नहीं मानती, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती। और तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो कोई भी पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती, तो वह है गाली, समझ लो।